बाएं दी है, दोनों हाथ खोलो और तबीयत से ताली बजाकर इन लोगों का अभिनंदन करो। आओ आज हम जिंदगी से जुड़े हुए और पल पल जो हमारे जिंदगी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आज हम उस बात से रूबरू होते हैं। अगर वो चीज आपके साथ है तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहेगी। अगर वो चीज आपके साथ है तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। अगर वो दौलत आपके पास है तो आप जीवन में बहुत आनंद से जिएंगे। अगर वो दौलत आपके पास है तो आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहेगा। और अगर ये चीज आपके साथ है तो आपके जीवन में हमेशा प्रगति के नए द्वार खुलते रहेंगे। और वो चीज जो मैं आपको दे रहा हूं, वो इसी गीत की पहली पंक्ति से आपकी बात की शुरुआत कर रहा हूं, और वो है सही सोच हो, सही दृष्टि हो और सही हो कर्म हमारा। आओ हम फिर से बदलें अपने जीवन की धारा। इंसान के जीवन का अगर कोई दारोमदार होता है जिससे इंसान की जिंदगी मीठी मधुर आनंद भरी और शालीनतम जी जा सकती है, हमारे पारिवारिक सुख का अगर कोई आधार होता है, हमारे व्यापारिक प्रगति का अगर कोई सोपान होता है, हमारे सामाजिक कल्याण का अगर कोई मार्ग होता है, हमारे राष्ट्रीय भावना को एक मेक रखने का कोई अगर उपाय होता है और सारे धर्मों को एक साथ जोड़कर रखने का अगर कोई मार्ग होता है, तो वह एकमात्र मार्ग है और वह है आदमी की सही सोच। दुनिया में दो चीजें होती है, परिवार कब टूटता है और परिवार कब जुड़ता है। मैं दो शब्द बोल रहा हूं, आप बताना कि कौन सी चीज से जुड़ता है और कौन सी चीज से टूटता है। एक होती है ओछी सोच, बोल लो जोर से, बोल लो एक बार दोबारा बोल लो, कौन सी सोच? ओछी सोच। और दूसरी कौन सी होती है? अच्छी सोच। आप जरा बताओ, अगर परिवार के लोगों में प्रेम और मिठास घोलना है तो क्या करना पड़ेगा? ओछी सोच से काम चलेगा या अच्छी सोच से? तो बस, अगर समाज में प्रेम और मिठास घोलना है तो ओछी सोच कभी काम नहीं करती। जब भी काम करती है तो हमारी अच्छी सोच ही काम करती है। याद रखना, कुछ लोगों के पास संपत्ति ज्यादा है और कुछ लोगों के पास सोच बड़ी है। आप सोच सकते हैं, दुनिया का ज्यादा समृद्ध आदमी वो होता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसके नजरिए बड़े होते हैं, जिसकी मानसिकता बड़ी होती है। पांव में पड़ी मोच और जीवन की ऊंची सोच ये आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जीवन में प्रगति का अगर कोई आधार है तो आदमी की बड़ी सोच है, जिसे हम कह दें सही सोच। हम सोचते तो हैं, सच्चाई तो यह है, हम दिन भर सोचने के अलावा करते क्या है? शांत तो हम रह ही नहीं पाते। ऊट पटांग, तेरी मेरी, इधर उधर की, यहां वहां की, पता नहीं कितना कचरा घर हमने अपने दिमाग में भेड़ा कर रखा है। और जब देखो तो हम ऊट पटांग सोचते रहते हैं, कभी उसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी यहां की बातें, कभी वहां की बातें। ऊट पटांग, उल जुलूल सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं केवल सोचो मत, इस पर तो कंट्रोल करो, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो माथा ज्यादा भारी हो जाएगा। अब आप एक ही बात के लिए सोचे जा रहे हैं और कोई परिणाम जीवन का हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और परिणाम क्या निकलेगा? जब हमारी सोच ओछी होगी, जब हमारी सोच छोटी होगी, जब हमारा नजरिया घटिया होगा, जब हमारे मानसिकता नेगेटिव होगी, तब हमें हर चीज बुरी 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 नजर आएगी। पर अगर हम अपनी सोच को अच्छा बना लेंगे, ओफो, कल तक जिनमें आपको कमियां नजर आती थी, जैसे आप अपना नजरिया बड़ा बना लेंगे, आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, ये तो वो महिला है जिसने मेरे सुख को जिंदगी से बढ़ने के लिए, मेरी जिंदगी को सुखों से बढ़ने के लिए अपने पिहरसी के सुखों का त्याग किया है। ना बाबा ना, मैं इसके प्रति नेगेटिव नहीं बोलूंगा। जब आपके मम्मी के प्रति नेगेटिव विचार आएंगे तब आपके मन में पॉजिटिव सोच पैदा करेगी। नहीं 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 नहीं, किस महान महिला के सामने मैं जबान चला रहा हूं, किस महान महिला को मैं अपशब्द बोल रहा हूं, किस महान नारी के सामने मैं अपनी नेगेटिव सोच रहा हूं? वो नारी जिसने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर
बड़ा किया, 5000 बार मेरा सुसु और पोटी साफ किया। वो महान महिला जिसने अपने आंचल का दूध मुझे पिलाया, वो महान महिला जिसने 9 महीना अपने पेट में मुझे ढोया, वो महान महिला जिसने अपने सुख की कभी कोशिश ही नहीं की, अपनी जिंदगी के हर पल को मेरे सुखों के लिए न्योछावर किया। ओफो, मैं किस महान महिला के सामने जबान खोल लूं? ओहो, मैं कितना नाहक मूर्ख था जिस उस महान महिला को कह बैठा, मां तुम समझती नहीं हो, मां आप चुप रहो, मां आप हर समय क्यों बोलती रहती हो, हमें किससे बोल बैठा ये? उस महान महिला को जिसने भगवान से भी बढ़कर मेरे लिए भूमिका अदा की। जब आदमी अपनी सोच बड़ी लेकर आएगा ना, तो पिता के सामने जबान खोलने से पहले 1000 बार सोचेगा, कौन से पिता के सामने? अरे मैं कैसा नाहक नादान, मैं कैसा नाहक मूर्ख, 2 मिनट में अपने पापा से बहस कर बैठा और मैंने अपने मुंह से अपने महान पिता को, जो परमेश्वर के बराबर थे, जिसको दुनिया में शास्त्रों में परमेश्वर की संज्ञा दी गई, भगवान की संज्ञा दी गई, ईश्वर की संज्ञा दी गई, पालनहार की संज्ञा दी गई, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग हैं, पर मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा माता पिता तो वो महान हस्ती है जिसे एक हस्ती में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सृजन करना, ये वो महान माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया। विष्णु का काम है पालन करना, ये वो महान माता पिता है जिन्होंने हमारा पालन किया। और शंकर शिवजी का काम है मानवता का विकास करके दुनिया को अच्छी राह देना, ये मेरे वो महान पिता है जिन्होंने मुझे पांव पर खड़ा किया, मेरे जीवन का सृजन किया। अरे मैं कौन से माता पिता के सामने जबान चला रहा हूं? अरे उस पिता से अलग होने की सोच रहा हूं जिसके लिए भगवान श्री महावीर ने मां के पेट में रहते हुए निर्णय लिया था कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं संयम भी, दीक्षा भी, अभिनिष्क्रमण भी, संन्यास भी स्वीकार नहीं करूंगा। कौन से अपने ईश्वर तुल्य माता पिता से अलग होने की नाहक मूर्खता कर बैठा? ओफो, मैं भी कितना दादान, कितनी छोटी मेरी सोच, इससे ज्यादा छोटी सोच तो मेरी हो ही नहीं सकती थी कि मैं अपनी पत्नी को लेकर तो घर अलग बसा बैठा और उन माँ बाप को छोड़कर आ गया जिन्होंने भगवान ने मुझे पुण्य से दिया था। मेरे भाई जिंदगी भर एक याद रखना, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। क्या है? मैं क्या कह रहा हूं? पत्नी, सब बोल लो, पत्नी जो शादीशुदा वो तो बोल ही लो ना, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। क्या है? पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है। पर एक बात जीवन भर याद रखना, अगर ये सच है कि पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है तो उसे 100 गुना सच है मां बाप उपहार में आए हुए भगवान है। फैसला तय आपको करना है, आप अपनी जिंदगी के लिए क्या कह करते हैं। पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है, खूब प्रेम दीजिए। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आपको कहूंगा कि छोड़ छाड़ के सब निकल कर आ जाओ, पहले अपने दायित्व निभाओ, अपने कर्तव्यों को पूरा करो, जो तुम्हारी पारिवारिक सामाजिक दायित्व है उन सबको निभाना भी आपके जीवन का धर्म है, और उनसे विमुख होने की प्रेरणा नहीं दूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा अपनी पत्नी को खूब प्रेम दीजिए। अरे भाई 5000 नहीं, अगर आपके हाथ में छूटे मैं कहूंगा 50000 हाथ खर्चा दीजिए, भरपूर सुविधाएं दीजिए, पर इतना जरूर याद रखिएगा पत्नी आपकी पसंद है पर माँ बाप आपके पुण्य है, पत्नी भगवान का दिया हुआ उपहार है पर माँ बाप उपहार में आए हुए। इतना धीमे बोलेंगे ऐसा लग रहा है जैसे आप पत्नी के पेट से पैदा हुए हैं। सोच बोलूं कि नहीं, कहीं पत्नी सुन न ले, घबरा रहे हैं, कहीं मेरी धर्म पत्नी सुन न ले और ये रिकॉर्डिंग कहीं बाहर ना जाए। अच्छा, आपको भगवान लगते हैं मां बाप, में क्या फोकट में आई थी? घबरा घबरा के मत बोलो, चलो दोबारा बोलो भाई साहब, पुरुषों की रिकॉर्डिंग मत करना है, जारी मत करना, ये घबरा रहे हैं कहीं हमारी पत्नी ने पीछे देख लिया तो घर में वो की वो हो जाएगी। पत्नी भगवान का दिया हुआ, इतना जोर से बोला, मां के बाप के लिए नहीं बोला इतना जोर से आप लोगों ने, और मां बाप उपहार में आए हुए। जिस दिन व्यक्ति को यह सत्य का बोध हो जाता है उस दिन वो अपने पिता से कभी विमुख नहीं होता है।
कभी नहीं होता है, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि अपने आदरणीय पूज्य पिताजी से बहस करे। वो पिता जिन्होंने पाला पोसा पांव पर खड़ा किया, अरे जिन्होंने फट्टी चप्पल पहनकर तुम्हें अच्छी कॉलेजों में पढ़ने भेजा और वक्त आने पर अपना प्लॉट बेचकर तुम्हें पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा। आज क्या गजब है, तुम्हारी इससे बढ़कर बदकिस्मत क्या होगी। तुम विदेश में बैठे हो, पत्नी तुम्हारे पास है, बच्चे तुम्हारे साथ है, पर वे लोग तुमसे दूर है जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया और जीवन की व्यवस्था दी। इसलिए मैंने आज जो खास बिंदु आप पर उठाया है वो है, केवल सोचते नहीं रहना चाहिए आदमी को, बड़ी सोच, अच्छी सोच, महान सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच का आदमी को मालिक बनना चाहिए। सोचना नहीं 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 नहीं, उस महान पिता से कैसे जुदा हूं, नहीं 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 होऊंगा। हो गई होगी, डांट दिया होगा, टोक दिया होगा, बोल दिया होगा, बात हो गई होगी, पर नहीं 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 नहीं, मेरा मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मकान मेरा, बीबी मेरी, बच्चे मेरे, धंधा मेरा, बैंक मेरी, बैलेंस मेरा, दुनिया मेरी, दुकान मेरी। माँ बाप पढ़ाई कैसे हो गए, मैं उनको छोड़कर आ गया, दुकान तो साथ में लेकर आया, परिवार साथ में रहा, मेरे बीबी बच्चे साथ में रहे, और रे 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 मैं कितनी नाहक मूर्खता कर बैठा, कितना नाहक मैं नादानी कर बैठा, भगवान श्री को तो मैं छोड़कर आ गया, कितना गजब हुआ, मंदिर तो लेकर आ गए और मूर्तियां भूल कर आ गए। किसकी पूजा करोगे बताओ, किसकी अर्चना करोगे बताओ, किसकी जीवन में आराधना करोगे बताओ। मंदिर तो तुम्हारे साथ आ गया मकान के रूप में, पर मंदिर में विराजमान रहने वाले देवता तुल्य माता पिता तुम्हारे हाथ से छिटक गए। तो जरा बताओ, जिस मंदिर में मूर्ति नहीं होती वहां पर कोई केसर चंदन धूप दीप अगरबत्ती अष्ट प्रकारी पूजा करने के लिए जाता है क्या? नहीं ना। तो बस मैं आप लोगों की भावनाओं को बी पॉजिटिव सकारात्मक बनाते हुए कह रहा हूं, जिंदगी में बड़ी सोच मेरे भाई केवल बातों में नहीं होनी चाहिए, केवल 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 कहने की नहीं होनी। मैं तो बड़ी सोच रखता हूं ना बाबा ना, जिंदगी की हर कदम कदम को फूंक के चलना ये बड़ी सोच की निशानी है। और जब जब पिता के सामने आपको मन आए ना कि नहीं 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 मैं अपने नहीं मैं नहीं रहूंगा पापा मम्मी मैं नहीं रह सकता, मैं पापा के साथ नहीं, मैं सहन नहीं, मेरी सीमा आ गई है बस, तब एक बार सोचना। जैसे बुढ़ापे में आप अपनी बीबी को लेकर के माँ बाप से जुदा हो गए हैं, ऐसे आपको जन्म देकर आपके माँ बाप आपको भगवान भरोसे छोड़कर चले गए होते तो आज आप किसी अनाथालय में दान की रोटियां खाकर पल रहे होते। सच्ची कह रहा हूं, जिस तरह हम लोग दो मिनट में फैसला कर लेते हैं, ठीक है मम्मी पापा आप तो गांव में रह जाओ, मैं जा रहा हूं, अब जाना ही पड़ेगा, मम्मी जॉब वहां है। एक बार भी मन में ये क्यों नहीं आता मम्मी पापा आप भी चल दो। आपको बताऊं, मेरे पास कभी कोई महिला आके कहती है ना, बाप जी अमेरिका जा रही हूं, मैं क्यों बहुत अच्छी बात है, नहीं बाप जी बस मंगलिक सुनाओ, मंगलिक सुना देता हूं, हाँ बाप जी अमेरिका जा रही हूं, बड़ी बड़ी भुणकते हुए कहते हैं अमेरिका जा रही हूं, तो मेरे मुंह से निकल पड़ती है, मैंने कहा माता जी आपके बहुरानी की डिलीवरी है क्या? बाप जी आप तो बड़े अंतर्यामी, आपने पता लाग गयो, मैं क्यों सीधे साधी बात है, अगर थारी पत्नी बेटे के बहू की डिलीवरी नहीं होने वाली थी तो बेटे को जीवन में कभी याद ही नहीं आता कि माँ को भी अमेरिका बुलाए। मेरे भाई जब जब पिता से जुदा होने की बात मन में आए तब तब सोचना, एक बार कोने में बैठकर सोचना, कहीं ये मुझसे जीवन की बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई है, बहुत बड़ी गलती जिसको सुधारना, जिससे बाहर निकलना जिंदगी भर आपके हाथ में नहीं रहा है। अरे मेरे भाई जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वहां पर पति पत्नी में झगड़े कम होते हैं, पत्नी की ज्यादा हो हल्ला करने की हिम्मत नहीं होती, बेटे को भी सोचना पड़ता है, मम्मी सुन रही है, दादी सुन रही है, पापा जी सुन रहे हैं, क्या बोलूं, अब आप दो हो गए, मन चाहा बोलो और मन चाहा बोलो और मन चाहे जियो, और पता नहीं आपको नहीं पता अलग होते समय तो आदमी थोड़ा सा मन में खुश होता है पर 6 महीने बाद उसे लगता है यार मैंने कोई बड़ी क्या कर दी, गलती कर दी, भगवान को छोड़कर आ गया और पता नहीं किसके साथ जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। एक लाइन जीवन भर याद रखना, मां की ममता को बोल लो, एक बार जोर से बोल लो, और पिता की क्षमता को कभी चैलेंज मत करना बस, क्योंकि इससे बड़ी ताकत तो दुनिया में भगवान की भी नहीं होती है। मां की ममता को और बोलो 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 मुंह से बोल लो, और पिता की
क्षमता को, जो अपना जीवन का सब कुछ तुम्हारे नाम कुर्बान कर देता है। आदमी बड़ा गजब का होता है, माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है और बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, माँ बाप का इतना सभी छोड़ने को तैयार नहीं, नहीं नहीं मारे हिस्से रहे, ये कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरे हिस्से में आ रही थी ये टुकड़ा, ये ऑफिस तो मेरे हिस्से में आ रही थी। माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है, कभी मन में नहीं आता कि 2 लाख रुपए ले जाकर मम्मी दादी माँ को भी समर्पित करूं, पर बीबी और बच्चों को आदमी को सब कुछ देना चाहता है। मैंने इसीलिए कहा कि आज अगर पहली चीज की हमारी ताकत जीवन में जरूरी है, बोल लो कौन सी ताकत, सही सोच। क्या तय करो, बस फालतू तो हम सोचते रहते हैं, पर वक्त पर सही निर्णय करके, सही सोच करके जीवन का निर्णय करना। इसलिए कलाम साहब ने बहुत प्यारी बात कही थी हमारे देश के गौरवपूर्ण राष्ट्रपति ने, कि आदमी के कदम भले ही जमीन पर हो, पर सोच हमेशा आसमान में रहनी चाहिए। जितना ऊंचा नजरिया, जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी मानसिकता होगी, आदमी अपने कदम उतने ही बढ़ाएगा। मेरी अच्छी बहनों, जीवन में हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में कोई कोशिश बेकार नहीं जाती, कोई कार्य बेकार नहीं जाता। मुझे कल ही एक बहन ने पूछा था कि महिलाओं को अर्थोपार्जन में, धन को कमाने में, व्यवसाय में, जॉब में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा घर को संभालते हुए, घर की व्यवस्थाओं को बड़ा अच्छे ढंग से संभालते हुए अगर आपके पास वक्त है तो मैं कहूंगा जरूर लगना चाहिए, जॉब भी करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। और जिन्होंने किया है उन सबने सफलता के चरम छुए। अपनी घर की व्यवस्थाओं को संभालते हुए अगर आपको लगता है कि आप 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं, कब तक कहते रहेंगे हर सोमवार आते एक बार 2000 दो तो, और दे वो कहते या वो कहते हैं अभी 4 दिन पहले तो दिया ही था, कब तक ये सब चलता रहेगा? ये सब तब संभव होगा जब इंसान अपने भीतर सही सोच, बड़ी सोच, अच्छा नजरिया लेकर आएगा। अगर आपके लिए संभव है कि आप जीवन भर बड़ी सोच के मालिक बन सकें, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन जाएंगे। क्या कहा मैंने? अगर आप जीवन भर एक चीज के मालिक बन जाएं, कौन सा मंत्र? बड़ी सोच। आप जीवन भर सुखी रहेंगे, कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, कभी कोई माथाफोड़ी नहीं होगी, कभी कोई छाती कोटा नहीं होगा, कभी घर में विग्रह नहीं होगा, कभी व्यापार में नुकसान नहीं होगा। केवल एक चीज आप साथ लेकर चलेंगे और वह है जीवन भर में बड़ी सोच रखूंगा। कभी आपके मित्रता में कटुता नहीं आएगी, पक्की बात कह रहा हूं। कभी कषाय नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगा, कभी दूरियां नहीं होगी, केवल एक चीज। क्या? बोलो बोलो। अगर आप बड़ी सोच लेकर घर से निकले हैं, पूरा दिन आपका मीठा जाएगा। अगर आपके लिए संभव है कि आप जिंदगी भर बड़ी सोच रख सकें, आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले। लगता यह संभव नहीं है, मैं 1 साल तक सोच को बड़ी रखूंगा। लगता है नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा काम तो मैं नहीं कर सकता कि 1 साल तक सासू माँ से भिड़ू ही नहीं, इतना तो नहीं कर सकती मैं, हैं? फिर तो मुझे खाया पिया भी हजम नहीं होगा, भिड़ू नहीं तब तक शांति नहीं। चलो 6 महीने का निर्णय कर लो कि मैं 6 महीने तक अपनी सोच को बड़ी रखूंगी। लगता है ये भी संभव नहीं है, 3 महीने का निर्णय कर लो, मैं 3 महीने तक अपनी सोच को बड़ा रखूंगा। लगता है ये भी संभव नहीं है, 3 दिन का निर्णय कर लो, 3 घंटे का निर्णय कर लो, 1 घंटे का निर्णय कर लो। मैं आपको कैसे कहूंगा, हर 3 मिनट में 1 पचक खान ले लो, मैं अब 3 मिनट कर अपनी सोच को बड़ा रखूंगा। कितने मिनट? 3 मिनट। आप 3 मिनट में भी बाजी जीत जाएंगे। जब जब नेगेटिव वातावरण बना, घर में क्रोध का वातावरण बना, कषाय का वातावरण बना, मम्मी जी ने टोक दिया, पापा जी से टेढ़ी बात आ गई, बेटे सामने लड़ झगड़ पड़े, या पति ने कोई टेढ़ा शब्द बोल दिया, धर्म पत्नी के द्वारा अवांछित शब्द का व्यवहार हो गया, केवल 3 मिनट के लिए। कितने? 3 मिनट के लिए। कितने? 3 मिनट के लिए। समझो आपकी धर्म पत्नी अभी 4 महीने के लिए विदेश गई हुई थी, घर में खालीपन लग रहा था ना, बड़ा उचाट मन में हो रहा था ना, यूं ही सबको देख के मुस्कुरा रहे थे पर मन थोड़ा खाली हो रहा था ना। और जब आई, आपको पता लगा मुंबई आई, आप मुंबई तक लेने गए। अगर वो अमेरिका गई थी 4 महीने के लिए, आप मुंबई तक लेने गए, पता लगा वो दिल्ली आ रही है, दिल्ली तक आप लेने गए, और वहां से लेके वापस आप रायपुर में आए, 4 दिन तक कितने मिठास से, कितने प्रेम से, कितने माधुर्य से आप जी रहे थे। ये आप 4 दिन को 4 साल तक क्यों नहीं जी सकते, मुझे बताओ ना। 4 दिन तक आप कितने मीठे मधुर जी रहे थे। बिल्कुल सही है। कितने मुस्कुरा के, कितने मीठे, आपको लगा था जैसे खोया हुआ धन आपके हाथ लगा है, हैं? जब हम आज मीठे हो सकते हैं, मैं कहूंगा 1 महीना बाद जब आपको कभी अपनी धर्म पत्नी पर गुस्सा आ रहा हो ना, तब गुस्सा मत करना, तब सोचना ओहो जिसके लिए मैं 4 महीने तक इंजरी करता रहा, अब आए, तो क्या मैंने इसलिए बुलाया था कि मैं उस पर गुस्सा करूं, क्या मैं होल्ला करूं, क्या मैं हाका उक्का करूं? ना बाबा ना,
मैंने कल ही एक घर में कहा था, पराए घर की बेटी लाना बहुत सरल है, पर उसके दिल को जीतना यह बहुत बड़ी तपस्या है। पराए घर की बेटी लाना क्या बहुत सरल है। अच्छा बताओ कौन है आप में शादीशुदा, कौन है भाई साहब? आप अब शादीशुदा में क्या हाथ उठाते हो, आपको तो मरा सब मरने वाली उम्र में आ गए हो। अब वो 85 साल के दादाजी कह रहे हैं मैं शादीशुदा हूं अब। तय है कि जब आप गए थे तो 150 लोगों को साथ लेकर गए थे, है ना? पक्की बात है? बराती में कितने लोगों को गए? अबे बाबू आपकी शादी हुई ना, इनके धर्मपत्नी है क्या यहाँ पर? हाँ है ना, बिल्कुल। तो खड़े हो, आप बारात लेकर गए होंगे? नहीं। मैरिज के बाद लव हुआ कि लव मैरिज की हुई है? क्या हुआ था? अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है। भागुमार तो आप तो भंसाली के भंसाली रह गए, पर वो बागमार थी। बताओ इतनी मोटी ताकत नाम की जाति मिली थी तो भी उसने बदल करके अपने आप को, इससे बढ़कर एक नारी का बलिदान किसी घर के लिए क्या हो सकता है? अरे हम लोग पुरुष लोग क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? घर की माताएं बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं समझ पाते इस बात को? एक सीधी सादी लड़की, 18-20 साल की लड़की, जिसने अभी तक जीवन जीना भी पूरा नहीं सीखा होगा, अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, परिवार को छोड़कर आती है, परिजनों को छोड़कर आती है, भाई बंधुओं को छोड़कर आती है, पियर को छोड़कर आती है। अरे कल तक तो वह एक्टिवा में जींस पहन के घूम रही थी, आज वो सिर ढककर आपके घर में आती है, इससे बढ़कर वो क्या कर सकती है आपके लिए? अरे हम कम से कम अपने मन को तो बड़ा कर सकते हैं ना, अपनी सोच को तो पॉजिटिव बना सकते हैं ना। मैं तो कहूंगा हर बेटे के बाप और मां बाप को, आपको पता है जब भगवान श्री राम और सीता का स्वयंवर हुआ था, पता है आपको, तब राजा जनक जब तय हो चुका था, विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर मंडप में गए थे और पहले सबको मौका मिलता चला गया, और तब जनक ने खड़े होकर कहा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई शूरवीर नहीं है जिसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं, क्योंकि कोई भी शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। और तब कहते हैं श्री राम खड़े होते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, शिव धनुष तोड़ते हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताऊं, तब अयोध्या में खबर जाती है कि इस तरह से राम और सीता का विवाह, जनक उन्हें निमंत्रण भिजवाते हैं कि स्वयंवर हो चुका है, अब आप विधिवत अपनी बहू रानी को लेने के लिए हमारे यहाँ पधारिए। तब राजा जनक अपने तीनों रानियों को लेकर के मिथिला में आते हैं, और मिथिला में आते नहीं है वो चक्रवर्ती राजा, कौन? राजा दशरथ। कौन थे? रघुवंश के राजा, चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। रघुवंश का राजा होने का मतलब यह था कि वो चक्रवर्ती राजा है, वो चक्रवर्ती राजा। और मिथिला के राजा थे जनक, जो बिल्कुल सामान्य जनपद के राजा थे, वो आकर के मिथिला के राजा जनक को प्रणाम करते हैं, पांव छूना चाहते हैं। राजा जनक कहते हैं, भगवान आप क्या कर रहे हो, आप चक्रवर्ती राजा भी हैं, आपका पद भी हमसे ऊंचा है और आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं, आज हम सबसे बड़े आप हो गए हैं, क्योंकि हम लेने के लिए आए हैं, आपका हाथ देने में लगा हुआ है, आप बेटी दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, इसलिए आपका हाथ जीवन भर ऊपर रहेगा और हमारा हाथ जीवन भर नीचे रहेगा। ये महान संस्कृतियां थी हमारे जिंदगी की। लोग इस तरह अपने घर में अपनी बहुओं को लाया करते थे, इस गौरव के साथ कि तुम्हारे माता पिता के हम जीवन भर ऋणी रहेंगे, जिन्होंने अपना क्या घर का कोहिनूर हीरा निकालकर हमारी झोली में दिया है, वो दाता हुए हैं, हम लेने वाले हुए हैं, वो देने वाले हुए हैं। इसलिए बेटी का बाप हर दृष्टि से बड़ा ही होता है, वो जिंदगी भर देता है। अरे पुराने जमाने में लेने के नाम पर तो बेटी के ससुराल का पानी तक भी नहीं पीते थे, अब इससे बड़ा आप उन पीहर वालों से क्या बलिदान चाहोगे? और हम हैं ऐसे जो 2 मिनट में कह देते हैं, पीरे वाला मोर घर ने तोड़े, धूल तोड़े, थोड़ा लखनी है रही कहीं तोड़े है? पीरे वाला तोड़े, बेचारा क्यों तोड़े ना? इन वास्ता आपकी बेटी भी राजा विराज, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं भाई साहब, प्लीज ये कहेंगे इतनी देर से मुझे सुनाए जा रहे हैं, मैंने महाराज का क्या बिगाड़ा, हमने कोई गलती कर दी क्या महाराज को बुला के?
मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, जो पीछे लोग बैठे उनको कह रहा हूँ। तो ये कहेंगे हमने कोई बड़ी गलती कर दी महाराज को बुलाकर, सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, हम नहीं बोलते, इसका मतलब थोड़ी आप बोलते जाओगे। पर एक बात तय है, अगर हम एक चीज ले आए, क्या? बड़ी सोच। नहीं, मैं अपनी धर्म पत्नी का कभी तिरस्कार नहीं करूंगा। चार लोगों के बीच कभी भी अपनी धर्म पत्नी के मजाक आप ना उड़ाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हों, हो सकता है ऐसा, और वो कम पढ़ लिख पाई हो, हो सकता है आपको आज़ादी ज़्यादा मिली हो आगे बढ़ने की और उनको आज़ादी कम मिली हो, हो सकता है उनके घर के संस्कार। अरे साहब, कल ही मैं घर में था और पता है उस घर के मम्मी ने बताया मुझे कि बाप जी, हमारी दोनों बेटियां कहीं भी कुछ कह के जाती ना तो इसके पापा जी वो आगे रवाना होते, 15 मिनट बाद सीधे गाड़ी लेकर जाते थे, मेरी बेटियां वहीं पर है कि नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं ना बेटा? है ना? खड़े हो, घबराओ मत। जिसके माता पिता अपनी संतानों का इतना, कहा क्या करते थे पापा जी, माइक दो, देखा जाएगा जो होगा सो। हाँ बोलो। मैं क्यों, तू क्यों बोले, तू बोल आगे, तुम बोल, मैं क्यों फंसूं? हाँ बोलो। हम लोग कहीं भी ट्यूशन या कहीं, सुनना इन बिटियाओं की बात को सुनना, एक माता पिता किस तरह पल पल सेकंड सेकंड ध्यान रख करके अपनी अपनी नाजुक बेटी का पालन करते हैं और किस तरह एक मिनट में आप लोगों के नाम करते हैं कि जा बेटा उस घर को रोशन करना। अब सुनो इनके नाम से। हम लोग कभी भी फ्रेंड्स लोग के यहाँ या कहीं भी घर में बोल के, घबराओ मत, आप घबराओ मत, कि मार्केट जा रहे हैं तो हम दोनों, एक तो अकेले जाने नहीं देते थे, हम दोनों को ही भेजते थे साथ में, इधर हम लोग निकलते थे उधर घर में ताला लगा के, मम्मी को लेके पापा पहले ही देख लेते थे कि हम लोग की गाड़ी वहाँ खड़ी है कि नहीं, हम लोग पहुंचे। सुना सुना सुना, जो माता पिता अपनी बेटियों के एक एक सेकंड सेकंड का, अच्छा जो मैंने कहा वो गलत तो नहीं कहा ना, क्योंकि इनके मुंह से कहला रहा हूँ और मम्मी पापा दोनों यहीं बैठे हैं इनके, मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, पिता का अनुशासन तो होना ही चाहिए, ये पिता का अनुशासन होता है जिससे बच्चे तैयार होते हैं। पिता के अनुशासन को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पिता का अनुशासन तो नारियल की गिरी के ऊपर लगा हुआ वो क्या होता है, ठीकरी, क्या होती है मालूम है, लकड़ी की ठीकरी, पर नारियल हमेशा ध्यान रखे ये ठीकरी उसको दबाने के लिए नहीं है, उसको सुरक्षित और बचाने के लिए है। इसलिए पिता के अनुशासन को जो लोग जिंदगी में बुरा मान जाते हैं वे जीवन का निर्माण कभी नहीं कर पाते हैं। अगर पिता के टोकने को, पिता के अनुशासन को, क्योंकि पता है पिता जो भी सोचता है अपने बच्चों के कल्याण के लिए सोचता है, पर मैं बात आपको यह बताना चाहता हूं, जो पिता इतने सेकंड सेकंड का ध्यान रखते थे, आज तो अब कुछ भी करो नहीं आते ना वो आपके पीछे, नहीं आते ना। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप अपनी पलकों पर बेटियों को पालते हैं, अपने नाजुक दिल में बेटियों को पालते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी बेटी के आंख में आंसू नहीं आने दिए, हैं? खुद दब गए, खुद झुक गए, जो हुआ सो हुआ, पर मेरी बेटी के आंख में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। जिस बाप ने अपनी जिंदगी में कभी अपनी बेटी के आंख में आंसू नहीं आने दिए, मैं पति और सास ससुर से कहूंगा संकल्प लो, वो बेटी अगर आपके घर आई है तो आप भी उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने दें। बैठो, मैं केवल एक शब्द को, हाँ बैठो बेटा बैठो, मैं एक शब्द को आगे बढ़ाकर फिर बात आगे बढ़ा रहा हूं, और ये कमाल आप तब कर पाएंगे जब केवल एक चीज साथ में रहेगी, बड़ी सोच। माना कि जिंदगी में मुसीबतें हर कदम पर खड़ी है, क्या कहा मैंने, माना कि जिंदगी में मुसीबतें हर कदम पर खड़ी है, पर ध्यान रखना जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। कदम कदम पर मुसीबतें रहती है भाई, दुनिया में कौन है जिसके मुसीबतें नहीं आती, हर रोज कोई न कोई नई मातापुरी, नई चातुकोटा, नई सिरपच्ची सामने खड़ी होती रहती है। ऐसा मत समझना कि गरीबों की जिंदगी में मुसीबतें, अमीर और भी ज्यादा है, उनके तो मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आखिर इन मुसीबतों को जीते जी, इन मुसीबतों को झेलते हुए इनसे पार वही व्यक्ति लगता है जो अपने नजरिए को बड़ा रखता है, अपनी मानसिकता को बड़ा रखता है। आपको बताऊं, बड़ी सोच हमारे जीवन में क्या काम करती है।
अच्छी सोच हमारे जीवन में क्या काम करती है, सही सोच हमारे जीवन में क्या काम करती है। नंबर एक, हमें तंदुरुस्त बनाकर रखती है, कभी बीमार नहीं पड़ता आदमी। क्योंकि जैसे ही हमारा दिमाग थोड़ा भारी होता है, हमारा चेहरा लटक जाता है, मन उदास हो जाता है, रोटी भाती नहीं है, काम करने का मन होता नहीं है, सुबह व्यायाम करने का मन होता नहीं है, मॉर्निंग वॉक जाने का मन, मतलब लगता है नहीं बस बस जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं हैं बस, है ना। इसके अलावा कोई दिमाग में होता नहीं है। पर सही सोचोगे तो हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा, हमारी जिंदगी हमेशा चार्ज रहेगी, हमारी कार्य क्षमताओं में हमेशा वृद्धि रहेगी। सही सोच वाला आदमी कभी मुंह लटका कर नहीं बैठेगा, हमेशा मुस्कुरा कर बैठेगा, ठीक है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है अरे कल तक मेरे वो दिन थे, क्या अभी मैं रास्ते में चल रहा था ना तो ऐसे ही साथ चलते हुए लोगों ने कहा, अलग अलग परिवार के बारे में बताया, साहब वो वाले घर उनके तो वो वाले न्यारे थे। देखो भाई, जिंदगी में गजब की चीज है, जिनके कल तक पत्थर तैर रहे थे आज उनके पत्ते भी नहीं तैर रहे हैं, और जिनके कल तक पत्ते भी डूब रहे थे आज उनके शहर में पत्थर भी तैर रहे हैं। ये तो वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, जिंदगी भर याद रखना। इसलिए गम मत करना जब जिंदगी में मुसीबत आ जाए, और गुमान मत करना जब जिंदगी में ऊंचाई हाथ लग जाए, क्योंकि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। कल तक सड़क पर थे आज राजमहल में हैं, तो जो आदमी सड़क से राजमहल तक गया है उसे राजमहल तक सड़क पर आने में भी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अपने दिलो दिमाग में इस सत्य को हमेशा स्थापित करके रखिएगा कि मैं हमेशा अपनी मानसिकता को कभी भी नकारात्मक नहीं होने दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग मेरी कार्य क्षमताओं में वृद्धि करती है। नंबर दो, रिश्तों में मिठास घुलती है, कभी नहीं बुरा लगेगा आपको। आज समझ लो मेरे बड़े भाई हैं चंद्रप्रभु जी महाराज, उन्होंने समझ लो मुझे दो शब्द कह दिए, मेरे पास दो विकल्प, मैं बराबर हूं भाई हूं, मैंने यूं क्यों कह दियो कहीं। नंबर एक, भाई अगर चार मिनट भी बड़ा हो तो बराबर का नहीं होता, बड़ा हमेशा बड़ा रहता है। जिंदगी में मंत्र याद रखना, छोटा भाई अपने बड़े भाई को कभी मित्र न माने, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को हमेशा दोस्त माने, पर छोटा भाई अपने बड़े भाई को हमेशा बड़ा मानकर चले। सास अपनी बहू को हमेशा मित्र मानकर चले कि नहीं नहीं मेरी बेटी है, ये मेरी साथ है, पर बहू को चाहिए कि वो सास के सम्मान में कभी कमी न आने दे, समझ गए ना। बहू को चाहिए कि वो सास के मान मर्यादा और गौरव में कभी कमी न आने दे। मेरे भाई, मैं तो एक बात कहा करता हूं, हर सास को अपनी बहू को बेटी मानना चाहिए। बोलो, हर सास को अपनी बहू के साथ बेटी की भूमिका अदा करनी चाहिए, पर हर माँ को अपनी बेटी के साथ सास की भूमिका अदा करनी चाहिए। बात नहीं गले उतरी, उतारूं थोड़ा सा और कुछ दाल चावल साथ में दूं तो उतरे। सीधी सादी बात है, बहू के साथ हमेशा बेटी का व्यवहार करो ताकि लाड़ प्यार में कभी कमी न रहे, पर बेटी को हमेशा साथ हमेशा सास का व्यवहार करो ताकि उसके निर्माण में कभी कमजोरी ना रह जाए। नहीं बेटा, ये चीज भी परफेक्ट होनी चाहिए, जो मैं भेजूंगी तुम्हें सिखा कर भेजूंगी, वहां जाकर सीखने की नौबत नहीं आने दूंगी। केवल एक चीज, क्या मैंने कहा ना, रिश्तों में मिठास घुलता है किससे, जब हमारी मानसिकता हमारा नजरिया बड़ा होता है। हाँ, जब हमारा दिल बड़ा होता है ना तो मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, चलो भाई हम भी कर लें। आपको पता है ये शंकर नगर में अभी प्रवचन माला का दिव्य आयोजन हुआ। अगर एक आदमी तय कर लेता, ठीक है मुझे कराना है, कर लेते हैं, ठीक है पैसे वाला हूँ, मुझे किसको क्या पूछना है, मैं खुद व्यवस्था कर सकता हूँ, अरे 5 लाख तो गुरुजी के मैं ही लगा दूंगा। पर एक बात बताऊँ, जो मिलजुल कर काम करने में मज़ा आता है ना, मैं तो कहूँगा ये जो आपकी मिलजुल कर टीम बनी है ना, जब ये प्रवचन माला पूरी हो जाए तब भी टीम को व्यवस्थित स्वरूप दे करके स्थायी बना देना, ताकि हमेशा के लिए आपकी ताकत बनी रहे। अरे वेदों ने कहा है, संगच्छद्वम समचलद्वम, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ जियो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति साथ रहने में है, टूट कर रहने में नहीं, समझ गया ना। तो ये जो सुनहरा आयोजन हुआ कब हुआ, जब ये कड़ी से कड़ी मिलती गई, ये 20-25 लोग मिले और मिल करके इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम किया। मिलने में जुलने में कभी घाटा नहीं है, और मीठा बोलने में कभी घाटा नहीं है। आपकी जायदाद कम होने वाली
अगर आप चार मीठे शब्द बोल देंगे है? मैं बताऊं, हमारे बीच जयपुर से पधारे में एक महानुभाव निर्मल जी गोयल, जयपुर का पॉपुलर नाम, राजस्थान का, इनके प्रेस का नाम ही पॉपुलर प्रेस, ठीक है ना, पूरे देश भर में नाम चलता है इनका, आदरणीय तरुण सागर जी, हमारा सबका अधिकांश साहित्य और जो उनके कड़वे प्रवचन की लाखों करोड़ों किताबें थी वो अकेले निर्मल जी को है ना, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए, हमारे बीच आए हुए हैं और इन्होंने हमारा भी बहुत बड़ा साहित्य, मतलब आप जितनी हमारी सुंदर सुंदर किताबें देखते हैं ना, है ना, इसमें हमारी भूमिका तो केवल यहां तक रह जाती है, इसके बाद आप तक किताब पहुंचाने में इनकी भूमिका रहती है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने इस आदमी से सबसे खास बात सीखी और वो है कितना मिठास से, कितना धैर्य से सामने वाला व्यक्ति विपरीत बात आपके सामने बोल रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के द्वारा विपरीत वातावरण खड़ा करने के बाद भी आप कितने धैर्य और शांति से और कितने मिठास से पेश आ सकते हैं, यही तय करता है कि दोनों में बाजी कौन जीतेगा। तो मैं इस व्यक्ति का अभिनंदन इस बात के लिए नहीं करता हूं कि इनके पास बहुत बड़ी प्रेस है, ठीक है, और भी लोगों के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मैं इस आदमी का अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं क्योंकि इसके पास दो चीजें हैं, नंबर एक पॉजिटिव थिंकिंग और नंबर दो मधुर जबान। मैं हमारे जीवन में इनसे कम से कम 100,000 बार 1,000 बार काम पड़ा होगा, सबसे ज्यादा जब इन्हीं के यहां से तैयार, तो इन्हीं से काम पड़ता है। मुझे कई बार लगता है यार ये बोलने में संत आदमी है, क्योंकि जब भी बोलता है शिष्ट बोलता है, इष्ट बोलता है, मिष्ट बोलता है, और इसीलिए खड़ा होकर के विशिष्ट बन जाता है, मिष्ट बोल विराजिए प्रभु जी। सीधी सादी बात है, अरे हाँ हाँ, ओ कुलदीप बाबू आप तो पहले आ गया, आ गया, कलम यहीं बैठे थे, देखो बड़ी सोच का कमाल क्या होता है। आगे पधारो, आगे पधारो, कुलदीप जी आगे पधारिए। क्या है जाति इनके, क्या है कुलदीप जी, जड़े है? जुनेजा, जुनेजा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बढ़िया आदमी है, है? इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया आदमी है। अब मैं आपको बताऊं, अभी कल की बात है, अपन कहां थे जहां से प्रवेश हुआ था ना, पधारिये विधायक महोदय, स्वागत है आपका, ससम्मान पधारिये, हाँ विराजो विराजो। तो मैं आपको बताऊं अभी, हाँ विराजो, जो बैठे थे वो विराजो आराम से, जो जहां बैठे थे आराम से विराज। अब मैं आपको बताऊं, कल हमारा जब प्रवेश था ना, वो एक कहां से था, वो आई नेत्रम, वो चश्मे की दुकान से है ना, तो ये हमारे पास अंदर बैठे थे, यही बात चल रही थी, किसी ने कहा इन्होंने तो इतने सारे काम किए, कभी मंत्री बन जाएंगे, लाल बत्ती गाड़ी आ जाएगी। इस आदमी ने कहा गुरुदेव मेरी जिंदगी में भगवान ने गजब की व्यवस्था कर रखी है, दुनिया में किसी को लाल बत्ती की गाड़ी मिले और किसी को न मिले, किसी को 5 साल के लिए मिलती है, किसी को 10 साल के लिए मिलती है, किसी को 3 साल के लिए मिलती है। एक बार खड़े हो तो सरदार जी, इनको तो लाल बत्ती की गाड़ी जीवन भर के लिए सर में मिली हुई है, बड़ी सोच लेकर आओ ना, इनकी लाल बत्ती कभी हटी नहीं सकती, बोलो हटेगी कभी, जिंदगी में कोई किसी ताकत नहीं जो इनकी लाल बत्ती हटा सके, बड़ी सोच लेकर आ जाओ। अरे काहे की कार के ऊपर लाल बत्ती, अपने लाल बत्ती तो भगवान ने आजीवन, जब व्यक्ति विराजिए प्रभु जी, सम्मान है आपका, जब व्यक्ति भी पॉजिटिव बन जाता है तो जीवन में जो कुछ है उसको आनंद से जीना शुरू कर देता है। क्या कहा मैंने, जीवन में जो कुछ है उसे, अभाव में भी जीवन में हर आदमी जो अपनी बड़ी सोच को लेकर चलता है उसे जीवन में कभी अभाव नहीं लगता है। मेरे भाई जीत कर तो हर आदमी जीत की खुशी मनाता है, पर जीवन की बाजी वही जीतता है जो हार कर भी खुशी मना लेता है। समझो अभी आप जा रहे हैं सड़क से, आगे एक बारात चल रही है, अब क्या होगा, आप पी 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 करती रहेंगे, टी टी दिमाग में टी टी चलता है, कार में पी पी चलता है, पर क्या वो बारात खिसकेगी, वो तो धमा दम उसके बज रहे हैं, क्या कहते हैं वो है, धमाल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, और ऊपर से वो माइक और लगा हुआ है जोर जोर से, अब आपकी पी पी, और आप कहते हैं इन लोगों ने क्या सड़क पे कब्जा रखा है, आप अंत संत, हालांकि आपकी जब बारात निकली थी तब भी यही हालत थी, पर आप अपनी बारात को याद नहीं करते कि मेरी बारात में पीछे क्या हुआ होगा, पर दूसरी के बारात में अंत संत सोचते हैं, ना बाबा ना, क्यों मन को बुरी करते हो, कार से बाहर निकलो, कार को बंद कर दो, ताला लगा दो, चाबी लगा दो, बाहर निकलो, बारात में आगे जाओ, लोग नाच रहे ना, आप भी लगने लग जाओ नाच रहे, 2 मिनट मस्ती ली, बल्ले बल्ले, 2 मिनट आनंद लिया, और वहां से क्या हुआ,
जब तक बारात आगे निकली तब तक रोड भी खाली हो गया। अच्छा आप बताओ, नहीं तो आप अंदर बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, हर समय खींचते रहते हैं, चले नहीं। अगर आपने अपनी मानसिक दशा को अच्छा बना लिया है तो जीवन की हर दिशा आपकी अच्छी हो जाएगी। न तो ये दिशा शुभ होती है, न वो दिशा अशुभ होती है, सभी दिशाएं अच्छी होती है। जरूरी आपकी मानसिक दशा को अच्छा करना है। अगर आपकी दशा जीवन की अच्छी हो गई तो दिशाएं तो अपने आप सब के सब आपकी अच्छी होनी तय है। केवल नजरिया, केवल मानसिकता, केवल सोच को आदमी को बड़ा करना होता है, और जब आदमी सोच को बड़ा कर लेता है तो जीवन की बाजी जीत लेता है। तो मैंने कहा आदमी की जब सोच बड़ी होती है तो रिश्तों में मिठास घुल जाता है, मिलजुल कर काम करते हैं। और नंबर एक अंतिम बात जो मैं इसमें कहूँगा वो है, आदमी अगर सोच को बड़ी लेकर आ जाए तो टेंशन फ्री लाइफ जीता है, पक्की बात मानकर चल। फिर उसे किसी को कोई चीज मिली तो कोई टेंशन नहीं होता है, है? सोच बड़ी है क्या? समझो कोई आदमी चुनाव जीता, अब समझो जैसे दो लोग चुनाव में खड़े हुए, कोई जीता और कोई हारा। ऐसा तो है नहीं कोई आदमी लगातार जीतते ही जीतता रहेगा, कभी कभी हारने की नौबत भी आएगी। तो जीतने का आनंद तो हर व्यक्ति उठाता ही है। अच्छा आपको बताएं, समझो दो पार्टी के लोग खड़े हुए, एक कांग्रेस पार्टी का एक भाजपा पार्टी का, दोनों गए खड़े हुए चुनाव में और हैं, ओ ठीक है ठीक है, धोनी आगे आ जाओ प्रभु जी, आगे आ जाओ, कौन है आप, आगे आ जाइए, जो बाहर खड़े हैं आगे आ जाओ, आराम से आगे जगह बैठ जाओ, शर्म मत खाओ, ये खाने का आइटम नहीं है, खाने का आइटम प्रवचन के बाद में दूसरे हैं, आगे आ जाओ। तो कहां थे अपन, दो लोग चुनाव में खड़े हुए, एक जीता और एक हारा। अब क्या होगा, जो जीतने वाला है, अच्छा गुलाल तो दोनों लेकर गए थे, बैंड दोनों लेकर गए थे, भीड़ दोनों लेकर गए थे, अब वापस जब आ रहे हैं तो नाचता हुआ कौन आएगा और मुरझाता हुआ कौन आएगा? जो जीता है वो है यू 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 करते आएगा, गुलाल उड़ रही है, पंखुड़ियां उड़ रही है, बैंड बज रहे हैं, और मुंह लटका कर कौन आएगा, जो हारा हुआ है। मैं आपको जीवन का राज दे रहा हूं, जीतने का जश्न तो हर कोई मनाता है, पर जो व्यक्ति हारने का भी आनंद ले लेता है, और वो ये है, जीतने वाला भी गुलाल उड़ाता जा रहा है और हार वाला कह रहा है चिंता मत करो, अरे अपन भी शुरू करो, गुलाल उड़ाओ, बैंड बजाओ, चलो धूमधाम से जाएंगे, और नाचता झूमता गाता हुआ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जीतने वाला भी बैंड बजा के जा रहा है, हारने वाला भी बैंड बजा के जा रहा है, तो जो जीता है उसका बैंड बज जाएगा? यार पहले क्लियर करो, मैं जीता कि ये जीता, दोनों के बैंड बज रहे। जीत का आनंद लेना बड़ी बात नहीं है, पर जो व्यक्ति हार का आनंद लेना जानता है वो जीवन की बाजी जीत लेता है। अरे अमीरी का आनंद तो हर कोई ले लेता है, इस बार मैंने फैक्ट्री खोली जोरदार चली, इस बार मैंने शोरूम खोला जोरदार चला, इसका तो आनंद हर कोई ले लेता है। पर कभी कभार अगर ऐसा मौका आया जब लगा कि मुझे 3 करोड़ का नुकसान लग गया, कोई बात नहीं कमाया भी इसी से था, गया भी इसी में है। आदमी की तनाव मुक्ति के लिए सबसे बड़ी कोई अगर रामबाण कुंजी है तो वो है सोच को हमेशा बड़ी रखो। ये बड़ी सोच एक ऐसा जादू करती है इंसान की जिंदगी में कि आदमी कभी भी टेंशन में आएगा नहीं। ठीक है, जब जो होना है सो हो गया, मेरे किए होता नहीं, मेरे रोके रुकता नहीं, मेरे चाहे होता नहीं, जब जो हो गया। मैंने बहुत अच्छी भावना से अच्छे सोच से काम किया था, पर बात के बिगड़ने का योग था और सामने वाला फिर भी नाराज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मन पवित्र है, मुझे पता है मेरे मन में उसके प्रति कोई गलत सोच नहीं है। और जब आपका मन साफ है तो 1000 कसूर माफ है। क्या कहा मैंने, अगर आपका मन बोलो साफ है तो 1000 कसूर माफ है। याद रखना, दूध में जितना पानी होगा रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही ज्यादा उबलना पड़ेगा, समझ गए? जितना आपके भीतर नकारात्मकता होगी आपको अच्छा आदमी बनने के लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दूध में पानी नहीं होता वो रबड़ी आराम से बन जाता है, और जिसमें जितना ज़्यादा पानी होता है उसको रबड़ी बनने के लिए उतना ही उबलना पड़ता है। तो अगर हम अपने भीतर में प्रेम आनंद की रसधार बहाना चाहते हैं तो मैंने आपसे अनुरोध किया, एक चीज़ अपने जीवन की अच्छी कर लो, बड़ी कर लो, पॉजिटिव कर लो, सकारात्मक कर लो। देखो मैं एक आपको खास बात बताऊं, चलो आप अपने घर में आओ, आप बेडरूम में लेटे हुए हैं, अपने कमरे से सीखो कि मुझे जिंदगी कैसी जीनी है।
अब अपने बेडरूम में आप लेटे हुए हैं गद्दे पर, तो आपको सबसे पहले आंखों में क्या दिख रही है? छत। ठीक, आपको पता है आपके बेडरूम की छत आपको क्या कहती है? हमेशा अपनी सोच को ऊंचा रखो, देखो मैं भी पूरे घर में सबसे ऊंची। ठीक है, दीवार नीची, आंगन नीचा, बेडरूम में मैं सब चीज नीचे, पलंग नीचे, पर मैं सबसे ऊपर हूं। अगर तुझे यहां तक पहुंचना है तो हमारे सिर पर रहने वाली छत हमें कहती है अपनी सोच को हमेशा क्या रखो, बोलो बोलो, ऊंचा रखो। कभी भी छोटी मोटी बात में मन में उदास मत हो। जिंदगी में एक लाइन याद रखना, जिनको पीने के लिए दुनिया में अमृत मिला वो देव कहलाए, जिनको पीने के लिए दुनिया में अमृत मिला वो देव कहलाए, पर जिनके हिस्से जहर आया वो महादेव कहलाए। ये बात जीवन में याद रखना। अगर जिंदगी में कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है तो ये जिंदगी की कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये आपके जीवन के विकास का द्वार खोलने का मार्ग आया है। तो इसलिए ऊंची छत हमें कहती है अपनी सोच को हमेशा क्या रखो, बोलो 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 बोलो, ऊंचा रखो। और ऊपर क्या है देखो, तो क्या है, क्या है? छत। छत पे आपकी नजर पड़ी तो और क्या है? पंखा भी तो है ना, वो दिखाई नहीं है आपको ना, पंखा। और वो चलता हुआ पंखा जब हमें ठंडी हवा दे रहा है तो हमें कहता है अपने दिमाग को हमेशा शीतल रखो, ठंडा रखो, कूल कूल, ठंडा ठंडा रखो। कौन कह रहा है? पंखा जो चल रहा है, चलता हुआ पंखा हमें कहता है तुम दुनिया में चल रहे हो, पर याद रखना हमेशा अपनी ओर से ठंडक देना। अच्छा, थोड़ा और नजर नीचे लाओगे तो सामने क्या है? आंखों के सामने घड़ी टिक 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 चल रही है, और वो टिक 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 चलती घड़ी हमें कहती है मेरे भाई हाथ में पहनी हुई घड़ी समय देखने के लिए नहीं होती। क्या कहा मैंने? हाथ में पहनी हुई घड़ी समय देखने तक नहीं होती, समय पर चलने के लिए होती है। और वो टिक 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 करती हुई दीवार घड़ी हमें कहती है कि तुम समय के हमेशा पाबंद बनो। देखो मैं 24 घंटे चलती हूँ, लेकिन जब 12 बजाने होते हैं तभी 12 बजाती हूँ, न पहले न पीछे कभी नहीं रहती हूँ। घड़ी हमें कहती है याद रखना जो चले सो चरे, जब तक मैं चलती हूं तब तक कमरे में हूं, और चलना बंद कर दिया तो कचरे में पहुंच जाऊंगी। वो घड़ी हमें कहती है तू भी मेरी तरह हमेशा चलता रहे, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठीक है ना, जो आदमी चलता है वो मंजिल। हाँ, फिर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो दीवार पर एक चीज और लटक रही है और उसका नाम है कैलेंडर। क्या है? जिसमें हम 1, 2, 3, 4 संडे मंडे ये सब देख रहे हैं, तिथियां वित्तियां देख रहे हैं। वो कैलेंडर हमें जीवन की प्रेरणा देता है और वो है वक्त के हमेशा साथ चलो, क्योंकि 1 तारीख बीत गई तो मैं जड़ से 2 तारीख में पहुंच जाता हूं, और जनवरी बीते तो मैं जड़ से फरवरी में बीत जाता हूं। जो व्यक्ति वक्त के साथ चलेगा, अगर वक्त के साथ चल जाते तो नोकिया कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते, वक्त के साथ खुद को बदल लेते तो अम्बेसडर कभी केवल बाहर तक नहीं रह जाती। वक्त के साथ कुछ लोग और कुछ कंपनियां और कुछ चीजें अपने आप को बदल ना पाई तो वहीं के वहीं टिकी रह गए। पहले शुरू कौन हुआ था भारत में मोबाइल? नोकिया की सैमसंग, बताओ पहले कौन आया था? अभी कौन कौन से मोबाइल आते हैं? एक तो सैमसंग और एप्पल और अटरम पटरम खटरम खूब आते हैं, ठीक है ना, पर सबसे पहले शुरू कौन हुआ? नोकिया। मैं ये कहना चाहता हूं सीखो इस चीज से, अगर वक्त रहते नोकिया ने अपने आप को बदल लिया होता तो आज भी सिनेमा बना हुआ रहता। तो एक कैलेंडर हमें कहता है हमेशा ध्यान रखो, वक्त के साथ चलो, और जैसे ही वक्त बीता तो अपनी नई शुरुआत करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। हाँ, अब आप थोड़ा अपने आजू बाजू आ जाओ तो देखो सामने इधर इधर क्या लगा हुआ है? शीशा लगा हुआ है, आईना, जिसमें आप अपना सुंदर सुंदर क्या चेहरा निहारा करते हैं। वो शीशा हमें कहता है भाई दूसरों को मत देखो जब भी देखना है तो, क्योंकि आप शीशे में जब भी जाते हैं तो पड़ोसी को नहीं देखते, खुद को यूं 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 करते ना, पड़ोसी को थोड़ी करते हैं यूं 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 यूं, खुद को करते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं, शीशा कहता है कि जैसे तुम मुझ में आकर खुद को देखते हो ऐसे ही जिंदगी भर खुद को देखने की आदत डालो। थोड़ा सा पास में हाथ लाओ तो आपकी एक और चीज है, उसका नाम है पर्स। क्या है?
पर्स, और पर्स हमें कहता है देखो मैं तुम्हारी हर चीज को संजो कर रखता हूं, तुम भी जिंदगी में अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को, अच्छे विचारों को जीवन में हमेशा संजो कर रखो। तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो 10,000 का पर्स लेकर चलो, नंबर एक, या तो 10,000 का पर्स लेकर चलो, और या फिर 500 का पर्स लो और 9,500 अंदर डाल के चलो। समझ में आई? समझ में आई? पहले तय करो तुम्हें अमीर दिखना है कि अमीर बनना है। अगर अमीर दिखना है तो क्या करो? बोलो बोलो बोलो, अमीर दिखना है तो क्या करो? 10,000 का पर्स लो, पर अमीर बनना है तो 500 का पर्स लो और 9,500 उसके अंदर डालो, ताकि तुम अमीर बनने की ताकत अपने भीतर पा सको। पर समय कहता है जीवन भर ध्यान रखना, भविष्य के लिए अपने भीतर हमेशा बचा कर रखो। अमीर बनने के 3 रास्ते हैं। नंबर एक, मेहनत से कमाओ, बोलो, किफायत से खर्च करो। किससे खर्च करो? किफायत से खर्च करो, अंट सट खर्चा मत कर दो, पैसे कमाए उड़ाओ 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 उड़ाओ, तो बंदे ने जम के उड़ा लिया और 4th साल टाए टाए। ना बाबा ना, विवेक पूर्वक कमाओ और विवेक पूर्वक खर्च भी करो। हाँ, सामने कमरे में चारों तरफ क्या खड़ी है? दीवार। जो दीवार हमें कहती है दूसरों का बोझ भी बांटो। क्या कहती है दीवार? दूसरों का बोझ भी। दुनिया में कोई छत एक दीवार पर खड़ी नहीं रहती, इसका बोझ वो बांटती है, उसका बोझ ये बांटती है, इसका बोझ ये बांटती है, और सब एक दूसरे का बोझ बांटते हैं, तब कहीं जाकर वो छत के भार को सहन करने में सक्षम हो पाते हैं। हाँ, दीवार में एक चीज और बनी हुई है, बोलो बोलो, खिड़की, जिससे हम बाहर देखते हैं, और दीवार में रहने वाली खिड़की हमें बताती है अपने दायरे को केवल दीवार तक मत रखो, ये खिड़की तुम्हारा दायरा बढ़ा रही है, और अपने दायरे को बढ़ाने की भी कोशिश करो। क्या सोचो, अगर हम युवावस्था से बचपन से यही सोचते रहते, नहीं मैं तुम्हारे बस हॉल में प्रवचन देव तरह सा, मैं तुम्हारे बस माँ का वास्ते बोल तरह सा, हम तो केवल अपने वालों के लिए बोलते रहेंगे, तो क्या स्टेडियम जैसे मैदानों में लाखों लोग आकर के जीवन का निर्माण कर पाते? अपने दायरे को बढ़ाओ, मत कहो कि ये मेरे हैं, दुनिया सब मेरे हैं। आप अगर अपना दायरा बना लेते हैं, मैं तेरापंथी, मतलब अब आपके जो 2-4 लोग हैं बस वही तुम्हारे हैं, बाकी खेल खत्म। मैं थानकवासी, अब जो थानकवासी लोग हैं वही तुम्हारे हैं। मैं मंदिर वाला, मंदिर में भी मैं तप्पा कच और खतरकस वाला, तो कितने लोग हिस्से आएंगे? मैं थानकवासी में भी अमुक महाराज वाला, ये भी है, ये अमुक वाले, ये अमुक वाले, अरे मेरे भाई, दिगंबर में भी ये अमुक वाले, ये अमुक वाले। दायरे को हमने छोटा कर लिया। अगर हम कहेंगे मैं तेरा पंथी तो दायरा बड़ा होगा, मैं थानकवासी तो दायरा, मुझे कोई कोई आके कहते हैं बाप जी मैं इस थानकवासी हूँ, बाप जी मैं आप रठाया, मैं क्यों पता रहो सा, मैं तो जैन हूँ। कोई आवे बाप जी मैं तेरा पंथी हूँ, मैं क्यों भगवान थाने भी जैन बना वाला कह दे, मैं तो जैन हूँ भाई। हमेशा अपने नजरिए को बड़ा रखो। तेरा पंथी बाद में बनना, थानकवासी बाद में बनना, मंदिर वाला बाद में बनना, दिगंबर बाद में बनना, श्वेतांबर बाद में बनना, क्योंकि ये दायरे को छोटा करेंगे। बन सकते तो पहले जैन बनना, तो तुम्हारा दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्यों कह देते हैं, मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जब कोई मेरे सामने आके कहता ना बाप जी मैं अमुक हूँ। गौरव से कहो ना, जब मेरे सामने आके बैठे हो बाप जी हम जैन हैं, अरे हाँ, तब तुम्हारा दायरा कितना बड़ा हो जाएगा। भगवान ने तुम्हें जैन धर्म का सागर दिया, और आपने छोटे छोटे तालाब बनाकर अपनी जिंदगी छोटी बना ली। हमने कुछ नहीं किया इन 40 सालों में, हमने केवल एक काम किया, जो लोग कुएं में और तालाबों में थे उनको निकाल निकाल कर सागर दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है। केवल अपने नजरिए को बड़ा करो, मानसिकता को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो। अरे कहां कुएं में जाकर सिमट गए, ये इतना बड़ा कि इतना बड़ा कि इतना बड़ा, बाहर निकल कर देख तो पता लगे दुनिया कितनी बड़ी है। नजरिए को, सोच को, मानसिकता को, पूरे जैन समाज का एक दर्द है। बताऊं क्या दर्द है? और वह उनके संवत्सर क्यों नहीं है, और विशेषकर युवा पीढ़ी, जब भी युवक आते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न पूछते हैं बाप जी हमारी संवत्सर क्यों नहीं, हमारी संवत्सर क्यों नहीं है? इसलिए एक नहीं है, क्योंकि हमने दायरे छोटे छोटे बना लिए हैं। मारी चौथ थारी पांचम, कितना गजब हो जाता है। आप अपना चौथ को संवत्सर का प्रतिक्रमण करके उनको फोन करते हैं खमत खामना, वो कहते हैं कायरा मेरे तो अभी तक प्रतिक्रमण किया ही नहीं है, मेरे तो संवत्सर कल है। मतलब कितनी एक विचित्र पहेली हमारे सामने आ जाती है कि जब
पांचम के दिन देश के आधे लोग पारणा कर रहे होते हैं और आधे लोग उपवास कर रहे होते हैं। हम कितने जबरदस्त बंटे रहते हैं, नहीं पता कौन क्या कर रहा है। कल जिन लोगों ने उपवास किया पहले दिन उन लोगों ने खाना खाया था, और आज जो पारणा कर रहे हैं आधा जैन समाज उस दिन क्या कर रहा है, उपवास कर रहा है। खबर नहीं लगती, कैसे बताएं किसकी संवत्सरी सही है। केवल सोच को बड़ा बना लो, दायरे को बड़ा बना लो, मानसिकता को बड़ा बना लो। सच्ची कहता हूं सभी अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। अगर बुरा कोई दुनिया में है तो हमारा नजरिया बुरा है। बस दुनिया में सब अच्छे हैं। ये टेंट सफेद है पर आपने चश्मा ही काला लगा रखा है तो क्या होगा, बोलो 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 बोलो। हाँ, कमरे में एक चीज तो बची रह गई ना, खिड़की कहती है अपने दायरे को बड़ा रखो। अब कमरे में एक चीज है, नीचे देखो क्या है, फर्श, जो हमें कहती है हमेशा जमीन से जुड़कर रहो। किससे जुड़कर रहो, जमीन से जुड़कर रहो। अगर तुम जमीन से जुड़कर रहे तो सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे। कितने भी ऊंचे उड़ जाओ, आज विधायक बने हो, कल मंत्री बन जाओगे, परसों सीएम बन जाओगे, पर किससे जुड़कर रहो। हाँ हाँ, मैं इनके लिए कह रहा हूं, जमीन से जुड़कर। आदमी एक्टिवा में घूमता रहता है अपना, जनता से जुड़कर रहता है, जमीन से जुड़कर रहो। क्योंकि जमीन से जुड़ने वाला आदमी और जड़ से जुड़कर रहने वाला पेड़ कभी खतरे में नहीं आता है। हाँ, मैंने आज अनुरोध किया आप लोगों से, अपने नजरिए अपनी मानसिकता को बड़ी रखो। चलो मैं छोटे छोटे पांच मंत्र आपको दे दूं फटाफट फटाफट स्पीड में है? और पहला मंत्र, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए सोचना चाहते हैं तो पहला मंत्र दिमाग में ले लो। हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर करो सब। चलो यूं करो, यूं एक गिलास लो हाथ में, एक गिलास लो हाथ में। आपकी गिलास में आधा गिलास पानी है, क्या है, आपकी गिलास में आधा गिलास पानी है। एक बार देखो कि आपका भीतर का दिमाग क्या कहता है, आधा गिलास खाली है कि आधा गिलास भरा हुआ है। अरे यार, आधा गिलास खाली है, पूरी भर के दे। हम क्या कहेंगे, आधा गिलास खाली है, पूरी भर के दे। नहीं 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 नहीं, सोच को जर से पॉजिटिव बनाओ। आधी गिलास खाली नहीं है, आधा गिलास, बोलो 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 बोलो, मुंह से बोलो, भरा हुआ है। जब जब हम आधी गिलास खाली देखते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं, भगवान मन दिए को नहीं। ओ, जब जब आधी गिलास खाली देखते हैं तब तब आपको लगता है उसकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, मेरी तो है जैसी है। पर जब आप आधा गिलास भरा देखते हैं तो हे भगवान, जेड़ी भी है तो सही है? लोग तो अभी भी नाकोड़ा भैरव जी का चक्कर काट रहे, बाप जी मारो ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं, बाप जी मारो ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं। अरे थर न्याल तो येड़े, ब्याह तो येड़े। आधा गिलास, अगर आप आधा गिलास खाली देखेंगे तो पड़ोस वाली कोठी आपको चुभेगी। अरे मैं दोनों जना ज्वेलरी काम करा, अरे मैं भी यूआईटी में काम करता हूँ, और भी यूआईटी में काम करता हूँ, मैं भी नगर निगम में काम करता हूँ, और भी नगर निगम में काम करता हूँ। जरूर इसने को उल्टा सीधा किया होगा, कोठी बना ली मैं तो। और उसके बच्चे कहते हैं, देखा पापा जी, वह अब भी नगर निगम में, वो भी नगर निगम में, देखा उसकी क्या कोठी बनी है। उसको ये नहीं पता कि उसके ससुराल वालों ने उसको 1.5 करोड़ रुपये दिए थे, जिसके चलते उसने अपने घर का मकान बना लिया। हम जड़ से नेगेटिव बन जाते हैं। अच्छा, बात गले नहीं उतरे ससुराल वालों ने, सबको लग रहा है काश हमारे भी ऐसे ससुराल वाले होते। पर सीधी साधी बात है कि आदमी नेगेटिव मन बना लेता है, किसको क्या मिला मत करो इसका गिला, क्योंकि जो हमें मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला। हर परिस्थिति में आधा गिलास। देखो मैं खास घटना बता रहा हूं, एक व्यक्ति ने करीबन 4-5 करोड़ रुपये लगा के अपना मकान बनाया, आलीशान कोठी, मतलब तनातन। उसका उद्घाटन का समय था, और मकान का नियम होता है जितना आपने मकान में खर्च किया है 5% उसके उद्घाटन में भी लोग खर्च करते हैं, लगभग मैंने देखा है 5-7% खर्च करते हैं। जैसे 2 करोड़ में मकान बना तो 5% कितना होता है, 10 लाख का। फिर वो क्या कहते हैं उसको, मकान का उद्घाटन समारोह, परिवार को बुलाएंगे, 1000 लोगों का खाना करेंगे, ये वो कोई और भी कार्यक्रम करेंगे। तो उसने भी ऐसा ही किया, इतनी बड़ी कोठी थी तो अपने पूरे परिवार वालों को देश भर से बुलाया था, होटलों में ठहराया, धर्मशाला में ठहराया। अगले दिन सुबह से मकान का उद्घाटन होना था, बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ, इतना सुंदर सजा हुआ था मकान, देखते ही बनता था।
पता नहीं रात को उसमें गैस की टंकियां अंदर रखी हुई थी, किस गैस की टंकी में क्या लीकेज हुआ और अंदर लाइटें जल रही थी और वो गैस उस लाइटों को छुआ और आग लग गई और सारी गैस की टंकियां, सुबह खाना बनाना था तो टंकियां नीचे रखी हुई थी, मिठाइयां बना बना के नीचे रखी हुई थी और वो बम भटाक बम बम बड़ा बम बम फुम फाप और गैस की टंकियां फूटने लगी और पूरा मकान धूध धूध जलने लगा और पड़ोसियों ने उसको फोन किया, अरे दौड़ के, अरे दौड़ के आ, अरे अरे दौड़ के आ। वो आया दौड़ के, सब पड़ोसियों ने उसको यूं पकड़ा कहीं गिर न जाए, बेचारे ने इतनी मेहनत की 3 साल तक और कल इसके मकान का उद्घाटन और आज ये धूध 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 चल रहा है और लोगों ने उसको संजो के रखा। ठीक है भैया, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। अरे उसने कहा काहे के दुखी मत होना। उसने दोनों हाथ ऊपर किए, कहा भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, आज पहली बार पता लग गया जिंदगी में भगवान मेरे साथ है। क्या कहा मैंने? उस आदमी ने कहा आज पहली बार पता लग गया जिंदगी में भगवान मेरे साथ है, इस मकान में आग लगने का तो योग था, भगवान ने भली की कि आज लग गई, अगर ये आग कल लगती तो पूरा परिवार भी जलकर मेरा खत्म हो जाता, आज पहली बार पता लगा कि भगवान मेरे साथ है। अरे रहेगा नर तो फिर बसाएगा अपना घर, नर अगर रहेगा तो अपना घर बसाने में देरी नहीं करेगा। आज पहली बार एहसास हुआ मुझे कि भगवान मेरे बोलो साथ है। क्या आप सोच सकते हैं किसको कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ? इसको कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ कि आदमी के 5 करोड़ का चूना लग गया तब भी वो कहता है भगवान मेरे साथ है। मंदिर जा रहे थे, ठोकर लगी, घुटने में चोट आ गई और सबने कहा और जा मंदिर। देखा मंदिर गया थे तो टांगे टूट गई, ना बाबा ना। तब वो अगले दिन मंदिर में जाके भगवान से कहता है भगवान पहली बार पता लग गया कि तुम मेरे साथ है, शायद मेरे जान से मरने के योग थे, तूने घुटना तोड़कर बात खत्म कर दी, आज पता लग गया कि तुम मेरे साथ है। ठीक है ना, बी पॉजिटिव। क्या बी पॉजिटिव, और हम जैसे ही बी पॉजिटिव बन कर जाएंगे हम आधा गिलास बोलो एक और ले लो है? मैं सच्ची कहता हूं, अगर आपने अभी तय कर लिया है कि आधा गिलास भरी हुई दिखूंगी तो घर जाते ही आपको पता लग जाएगा दुनिया की सबसे महान महिला आपकी सास है। अगर आपने यहां तय कर लिया है कि मैं आधा गिलास भरी देखूंगी और घर जाकर आपके मुंह से दन निकल जाए कि आज पहली बार ललित प्रभु जी महाराज ने मेरी जिंदगी में ये बात घर कर दी कि दुनिया की सबसे महान महिला यही मेरी सास है, क्योंकि अब तक मैं आधा गिलास ऊपर से हमेशा खाली खाली देखती रही, आज पहली बार पता लगा कि आधा गिलास भरा हुआ भी है। अब तक मैं मम्मी के टोकने को बुरा मानती रही, मम्मी के बोलने को बुरा मानती रही, जो महान बहू अपने सासू माँ के टोकने को बुरा नहीं मानती एक दिन वही बहू आदर्श सास बनने का सौभाग्य हासिल करती है, जो मम्मी के टोकने को बुरा नहीं मानती। अगर शांति प्रिय जी मेरे टोकने को बुरा मान गए तो उसी दिन से प्रगति का द्वार रुक गया, अगर मैं अपने गुरु महाराज के टोकने को बुरा मानने लग गया तो मेरे प्रगति के द्वार रुक गए। बड़ों के द्वारा दिए गए विकास के मार्ग हमें आप ले ले लो, एक बार हाथ में ले लो आधा गिलास, क्या भरा हुआ दिमाग में लो। आपको अभी तक लगता था आपका भाई हर समय यूं रहता, नहीं आधा गिलास भरा हुआ, नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है। याद रखना दुनिया में कोई आदमी इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसको उसकी माँ समझती है, बोल लो दुनिया में कोई आदमी इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी उसकी माँ समझती है, और उतना बुरा भी नहीं होता जितना उसको बीवी समझती है, उतना भी बुरा नहीं होता बेचारा, ठीक है ना। आधा गिलास, हाँ अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर करो, और वो है कभी अगर विपरीत वातावरण आ जाए ना तो अपने धैर्य और शांति को खो मत, बस आ गया अनचाहा वातावरण बन गया, अपने सोचा भी नहीं था और ऐसा सब कुछ अशुभ योग घर में आ गया तो अपने धैर्य को मत खो। हे भगवान, मैंने देखा है कई लोग मुझे आके कहते हैं बाप जी हमारे जीवन में ऐसी घटना होगी, मैं तो भगवान से मेरा विश्वास हट गया, मैं तो मंदिर नहीं जाती हूँ बाप जी, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। मतलब एक अभी कोरोना काल में मैं एक घर में गया था, उनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया था, बच्चे थे, सास ससुर थे, पतिदेव का स्वर्गवास हो गया, उसने कहा मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया भगवान, बाप जी मेरा भगवान से विश्वास हट गया। मैंने कहा बहन जैसी आपकी मर्जी, पर मैं तो आपको यही कहूँगा पहले अगर आप दिन में एक बार मंदिर जाते तो अब 2 बार जाओ, और अब पहले पूजा भी करो और शाम को आरती भी करो, अब ज़्यादा भगवान का भजन करो और कहो भगवान तूने साबित कर दिया कि तू मेरे साथ है,
साबित कर दिया, क्योंकि कई घर हैं जहां पर बाप बेटे दोनों चले गए, तेरे घर में केवल इसका बाप गया है, अभी भी तेरे 17 साल का बेटा तेरे साथ है, यानी भगवान ने तेरा ब्रिटानिया 50-50 योग तो पता नहीं क्या रहे होंगे, ये भगवान ने साथ दिया कि कम से कम तेरे पति दुनिया से गया, पुत्र अभी भी बचा हुआ है। कल्पना करो, दुनिया में कई घर हैं जहां पर, मैंने अपने आंख से देखी है कई घर जहां पर पति भी चला गया, पुत्र भी चला गया, ससुर भी चला गया, पूरा घर पुरुष विहीन हो गया उस कोरोना काल में। अब सोचने का नजरिया आपके पास है, आप रो रो कर जिंदगी को जीते हैं या शांति और मुस्कान से जिंदगी को जीते हैं। इसलिए निर्णय कर लो, जब विपरीत घटना जीवन में हो जाएगी, बोल लो, जब विपरीत घटना जीवन में हो जाएगी, कभी किसी ने टेढ़ा बोल दिया, कभी आपका अपमान हो गया, कभी अपशब्द बोल दिया, कभी आपका नाम लेना रह गया, कभी आपके लिए विपरीत वातावरण बन गया, कभी किसी ने टिप्पणी कर दी, कभी किसी ने अपमान कर दिया, कभी किसी ने आपके लिए अनचाहा व्यवहार कर दिया, तब भी दिलो दिमाग में घर करके रखो अपने बात, और वो है नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। मैं धैर्य रखूंगा, मैं शांति रखूंगा, नहीं नहीं आधा गिलास भरा हुआ देखो, ठीक है हो गया, ठीक है अब ये कर नाटक करो, ठीक है हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, मेरा सो जाए नहीं और चलो गया सो मेरा था ही नहीं। बोल लो एक बार, कमर सीधी करके बोल लो, ये ऐसा मंत्र फिर नहीं मिलेगा, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, बोल लो एक बार, जो ठेठ बाहर बैठे ना कोने में माताएं वो भी बोल लो, जो मेरा है वो, और जो चला गया वो मेरा। जिंदगी में जिससे जितना संयोगिक योग था तब तक उसका मेरा साथ बना रहा, आज संयोगिक संबंध खत्म हो गया, वो अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते चला गया। खोए को कभी रो मत, और हो ही नहीं उसको चिंता करो मत, जो चीज हो गई है उसका रोना रो मत, आज से निकल गया, और जो हुआ नहीं है उस सोच सोच के माथा खराब करो मत। मैं हमेशा धैर्य रखूंगा, शांति रखूंगा, जब जो हो जाए ठीक है। अगर आप अंतिम एक दो बात और अपने जीवन से जोड़ सकते हैं तो जरूर जोड़ लो, और वो है, किसी ने आपका बुरा भी कर दिया है, हाथ जोड़ो, फैसला कर लो, मैं उसका वापस भला ही करूंगा। दुनिया में पॉजिटिव व्यवहार को जीने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग को जीने के लिए, बड़ी सोच को जीने के लिए, बड़े नजरिए को जीने के लिए, बड़ी मानसिकता को जीने के लिए, महान आदर्श जीवन जीने के लिए, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। क्या जिसने मेरे साथ बोलो बुरा किया है तब भी मैं उसका, मालूम है इसने आपके धंधे में आग लगाई थी, मैं बाग लगाऊंगा। तीन लाइन हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करना, नोट कर लो, कागज पेन निकाल के नोट कर लो, तीन बातें 3 करोड़ की कह रहा हूं। नंबर 1, जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करना। नंबर 2, अगर कोई अपमान कर दे तो बुरा मत मानना। पहला क्या कॉमन है, जिंदगी में कभी किसी का अपमान मत करना, और कोई अपमान कर दे तो कभी बुरा मत मानना। नंबर 3, अगर बुरा लग जाए तो बदले की भावना मन में पैदा मत करना, क्योंकि यही 3 कारण थे जिनसे एक अच्छी गृहस्थी भी महाभारत में बदल गई थी। नंबर 1, अपमान द्रौपदी ने किया, दुर्योधन के भीतर भाव पैदा हुए। नंबर 2, दुर्योधन ने बुरा माना तो दुर्योधन ने आगे के कदम बढ़ाए। नंबर 3, उसने फिर तय किया कि मैं इस अपमान का बदला लेऊंगा, तो आगे क्या हुआ पूरी महाभारत हम सबको पता है। तो 3 शब्द याद रखो, नंबर 1, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर कोई मेरा कर दे तो बुरा नहीं मानूंगा। नंबर 3, अगर बुरा लग भी गया है तो मैं कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी जिंदगी नरक हो जाती है। आपको पता है कि जब आप चुनाव में खड़े हुए थे, ये 15-20 लोग थे जो आपके खिलाफ पूरे गांव में गए थे और आपको वोट भी नहीं दिया था, पर आप मन में ये गांठ मत रखना, अब ये कभी खड़ा होगा तो मैं बताता हूं कि हारा कैसे जाता है, इसकी जमानत जब्त न करा दो तो मेरा नाम वो नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अपनी सोच बड़ी रखना, कहना नहीं मैं इसका बुरा नहीं करूंगा, मैं इसका अहित नहीं करूंगा। भगवान से हमेशा प्रार्थना करो, भगवान मुझसे किसी का भला हो तो ठीक, पर हे भगवान मुझसे कभी किसी का बुरा मत करवाना। मैं किसी की जिंदगी में भोजन की थाली परोस सकूं तो ठीक, पर किसी का निवाला छीनूं ये पाप मुझसे मत कराना। मैं किसी की जिंदगी में बाग लगा सकूं तो अच्छी बात, पर मैं आग लगाने में भूमिका अदा करूं ये पाप मुझसे कभी मत कराना।
प्रार्थना करो भगवान से निर्मल जीवन को पाने के लिए, मन के आनंद को पाने के लिए, अरे गरीबी में भी शाह शाह और राजा बनने के लिए प्रार्थना करो कि भगवान इन हाथों से कभी किसी का बुरा मत कराना, इस मन से कभी किसी का बुरा चिंतन मत करवाना, इन वचनों से कभी किसी का शुभ शब्द मत बुलाना। मैं जब भी बोलूं, मैं जब भी करूं, मैं जब भी कहूं, मेरे हाथों से शुभ कर्म हो भगवान, शुभ कर्म हो। इस बार जब दिवाली आए ना, तो अपने रोकड़ खाते में, बही खाते में केवल इतना मत लिखना शुभ लाभ, पूरी दुनिया लिखती है। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो जरूर लिखना शुभ लाभ के नीचे शुभ खर्च। भगवान ऐसी दया करना, मेरे घर में शुभ लाभ भी हो पर शुभ खर्च करने के भी अवसर देते रहना। जब शुभ लाभ होता है तो शाम को कितने खुश होते हैं, आज एक ही दिन में 12 लाख रुपए कमा लिया, मजा आ गया, एक ही दिन में जमीन और प्लॉट रसो दो यो और 12 लाख रुपया कमाया। पर तब भी खुश होना जब 12 लाख खर्च भी कर दिया है, अरे कहीं करूं मार तो मन हो को नहीं, वो पड़ोसी जिद कर लियो, नहीं ले 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 ले, अब जो बोल रहा है कि कहीं करूं मार तो मन हो को नहीं, ना 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 ना, चढ़ावा बोल कर भी, मुंह से बोली बोल कर भी, मुंह से दान बोल कर भी मन में प्रसन्नचित होना। भगवान कमाने का अवसर तो साल भर दिया था, आज किस्मत ने साथ दिया तो उन्हें लगाने का भी अवसर दिया, क्योंकि कमाने के लिए भेजा चाहिए पर लगाने के लिए कलेजा चाहिए, और भेजा भगवान ने सबको भेजा हुआ है। अपनी आत्मा से पूछो कलेजा किस किस को दिया हुआ है। मैंने सहज में कुछ अच्छी बातें आप लोगों की जिंदगी से जोड़ी है इस पवित्र भावना के साथ। क्या चीज? दुनिया में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है, बोल लो बोल लो, सब बोलेंगे, जिंदगी में समस्याएं हर कदम पर खड़ी है पर जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। देखो क्या हुआ था, एक शहर में मिठाई की एक दुकान खुली। बस खड़े होने से पहले थोड़ी सी आपको खुशियां देकर खड़ा करता हूं ताकि भोजन करने में थोड़ा दुगुना आनंद आएगा, बड़ा मजा है शंकर नगर में भजन भी करो और भोजन भी करो। तो कहां थे अपन? हाँ, एक शहर में मिठाई की दुकान खुली। तो उस बेटे ने क्या लिख दिया, गुरु आदमी था, उसने लिख दिया इस शहर के सारे लोग मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं, पूरा शहर मेरी मिठाई खाता है, ठीक है। उसके बगल में एक और दुकान खुली, उस बेटे ने लिख दिया पूरे देश के लोग मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं। उसके इधर बगल में एक और दुकान खुली, किसकी? मिठाई की। उसने क्या लिख दिया, पूरी दुनिया के लोग मेरे मिठाई के खाते हैं, मेरे यहाँ की मिठाई खाते हैं। पहले ने क्या लिखा, पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। इधर वाले ने क्या लिखा, पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। इधर वाले ने क्या लिखा? पर क्या हुआ, 15 साल पहले उनके सामने एक मिठाई की दुकान थी, उसके बेचारे के पुराना बोर्ड लगा हुआ था। अब वो एक दिन हमारे पास आया कि भाप जी मारा तो मुसीबत होगी। मैं क्या कहीं, अरे हमारे सामने 3 मिठाई दुकानें खुली, एक लिख दियो पूरा गांव वाले लोग हमारी मिठाई खावे, तो दूसरो बीरो बाप बो लिख दियो पूरा देश मारो मिठाई खावे, तीसरो बीरो दादो वो कहीं लिख दियो पूरी दुनिया हमारी मिठाई खावे। मैं कह घबरा मत, समस्याएं जहां जहां होती है समाधान वहां वहां होता है, तू जा और दुकान पर नया बोर्ड बना के लिख दे ये 3 दुकान वाले मेरी मिठाई खाते हैं, बस जबरदस्त रहेगी तेरी, हारो मत, क्योंकि हर हार में कोई ना कोई विजय का महोत्सव छिपा हुआ है। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल प्रेम। केवल आधा मिनट आपका ले रहा हूं, फिर भोजन के लिए आप बिना भोजन के मत जाना, 10 मिनट इंजरी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे बीच जिनके अथक सेवाओं से हमारा साहित्य अल्पमूल्य केवल 20-20 रुपये में, 30-30 रुपये में, 40-40 रुपये में आप सब लोगों के घरों तक पहुंचता है, इस ज्ञान की सेवा को संपन्न करने में हमारी जिंदगी में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, जयपुर का नामजद प्रेस पॉपुलर प्रेस के मालिक आदरणीय श्री निर्मल जी गोयल हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं चाहूँगा वे एक पल के लिए मंच पर पधारें और शंकर नगर वासियों की तरफ से प्रेम सम्मान और मनोहार स्वीकार करें। आदरणीय निर्मल जी गोयल साहब।